अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो रिलेटेड है फ्लैक्स बॉक्स से। जिस तरह से आप सबको पता है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले और हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी स्टेप की सीरीज देखी है तो आपको आइडिया हो चुका होगा। इस तरीके से हमारे पास एक और क्राइटेरिया है फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स करता क्या है? फ्लैक्स बॉक्स जो है वो एक तरह का लेआउट स्टाइलिंग है CSS के अंदर, जिसके ज़रिए आप, याद रखिएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं या वर्टिकली मूव करवा रहे हैं अपने सारे कंटेनर्स को, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होते हैं, श्रिंक होते हैं, उसके साथ साथ उनके बदन हाइट सेम रहती है, ठीक है। और अक्सर CSS स्टाइलिंग के अंदर हम ये जो है वो फोल्ड देखते हैं कि पैडिंग और मार्जिन्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होता है, लाइक अक्सर मार्जिन्स एडजस्ट नहीं हो पाते जिस तरह हम रिक्वायर्ड करते हैं। सो इसी तरीके से फ्लैक्स बॉक्सेस ये क्वालिटी है इसके अंदर कि ये ऑटोमेटिकली कंटेनर्स को आपके आइटम के हवाले से एडजस्ट करता है। सो आज की पहली क्लास के अंदर हम लोग फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर को देखेंगे और किस तरीके से फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर को हम डिस्प्ले करा सकते हैं, किस तरीके से हम इनलाइन फ्लैक्स बॉक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेक्चर को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर किस तरह से बनाएंगे, वो किस तरह से मूव करेगा और फ्लैक्स बॉक्स का पर्पजिंग क्या है वेब डेवलपमेंट के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को और मेरी स्क्रीन पर मैं VS कोड ओपन कर रही हूँ। VS कोड के अंदर मैंने एक CSS फाइल अटैच कर दी है और यहाँ पर मैं कुछ कंटेनर डिज़ाइन करने जा रही हूँ बॉडी के टैग के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेव एक कंटेनर बना लेते हैं क्लास के साथ और यहाँ पर कंटेनर का नेम राइट डाउन कर दें, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो चार आइटम्स ले रही हूँ। आइटम रखे मैंने इसमें, आइटम वन रख दिया, कॉमन क्लास रखी है मैंने आइटम, और इसके अंदर मैंने कोई क्लास ऐड कर दी है आइटम वन के नाम से और इस इन क्लासेस को मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट गोना मेड फाइव और दी फोर कंटेनर्स, टोटली अप टू यू है कि आप कितने कंटेनर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फाइव कंटेनर्स बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर फाइव कंटेनर्स को डिज़ाइन करूँगी। इसी के साथ साथ बैक टू द CSS स्टाइलिंग और देख लेते हैं कि CSS स्टाइलिंग हम कौन कौन सी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो CSS के लिए, अच्छा यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट क्यों करूँ ताकि मैं फ्लैक्स बॉक्स को सिंपल आपको क्लियरली समझा सकूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। हेडिंग अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर फिलहाल H1 और CSS फ्लैक्स बॉक्सेस, क्योंकि आज पहली क्लास है तो सिंपल हम पहला जो है वो लाइट सा एक क्राइटेरिया बनाएंगे और यहीं पर हम CSS स्टाइलिंग को ओपन कर देते हैं। नहीं भी करना चाहे तो हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल CSS की अटैच है, हम वहाँ जाकर इसको इसका CSS डिज़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पैडिंग जो है वो हेडिंग की टॉप 0 रख रही हूँ, लेफ्ट राइट 0, बॉटम 0 और बॉटम 40%, ठीक है जी। इसी के साथ ये 40px रख ले रहे हैं, ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ मैं यहाँ पर कंटेनर क्लास को की सेटिंग अप्लाई करती हूँ, जहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर XYZ कुछ भी रख लें, फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा रख देती हूँ। इसी के साथ विड्थ रख देती हूँ मैं 800, हाइट मैं नहीं दूंगी और इसके साथ मार्जिन्स मैं रख देती हूँ थोड़ा सेंटर में करने के लिए 50px। ऑटो एंड 0,
ओके जी, इसी के साथ मैं पैडिंग 10 PX दे देती हूँ। 10 PX एंड बॉर्डर हम रख लेते हैं 5 PX। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने बहुत क्लियरली बताई हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में मैं एडवांस CSS भी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ, जो वेरी बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेती हूँ। मैंने कंटेनर की सेटिंग बना ली है, सो इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने कंटेनर में ब्लैक, अच्छा आप देखें यहाँ पर कंटेनर में कोई चीज़ डिज़ाइन, रीज़न इज़ दैट अभी ये आपके आइटम्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर CSS में आकर अब आइटम की जो है वो सेटिंग इम्प्लीमेंट करती हूँ। सबसे पहला आइटम जो है वो यहाँ पर, सबसे पहले मैं आइटम की क्लास के ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो मैंने यहाँ आइटम की क्लास ओपन कर ली है और यहाँ पर मैं फॉन्ट कलर अप्लाई कर देती हूँ वाइट, कि जो भी टेक्स्ट लिखूँ वो दिखे। इसी के साथ मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज अप्लाई कर देती हूँ 30 PX रख लेते हैं या 20 PX रख लेते हैं, 20 PX रख लेते हैं। इसी के साथ फॉन्ट वेटेड मैं बोल्ड अप्लाई कर देती हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैं टेक्स्ट राइट डाउन कर देती हूँ सेंटर में 2, 3 and 4 एंड लास्ट ऑन द लिस्ट 5। अब मैं सिंगल सिंगल कंटेनर्स के अंदर कलर, आइटम्स के अंदर कलर अप्लाई करती हूँ। तो आइटम नंबर 1 हमारे पास जो है उसमें कलर में कुछ भी, वट एवर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी कलर देना चाहे तो वो आप कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि सेटिंग तो आपने अपने हिसाब से कर दी है। तो यहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ ब्लू आइटम 1 में। इसी तरीके से आइटम 2 है एंड आइटम 3, इस तरीके से आप इसी को मैं आइटम 5 तक लेके जाती हूँ। कॉपी करके मैंने सिंपल 4, 5, ओके यहाँ पर 2, 3, 4 and 5। नाउ आई एम गोना चेंज द कलर ग्रीन। कलर चेंज इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करा सकूँ। जब तक कलर सिमिलर होंगे आप इसका डिफरेंशिएट कंफर्म नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम गोना गिव द कलर। ओके, तो मैंने कलर्स प्रोवाइड कर दिए और अब अगर हम जाके चेक करें अपने रिजल्ट को, चेक करते हैं रिजल्ट क्या दिखा रहा है हमें। देखिए आपके कंटेनर्स इस हिसाब से एडजस्टेबल है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अभी से फ्लैक्स काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई कर देंगे। आप सिंपल कंटेनर में जाएंगे और वहाँ पर आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देंगे। जैसे ही आप कंटेनर में आपने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स लिख दिया, ओके, तो अब चेक करूंगी मैं जाकर के रिजल्ट क्या है और किस तरीके से फ्लैग्स हमारा काम कर रहा है। ये देखिए जो आपके कॉलम्स थे वो रोज के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये इक्वली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे कॉलम्स थे वो मेरी कह सकते हैं कि वो आपकी विथ के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। सिंपल आपके जो भी कॉलम आपने बनाए थे या जो भी आइटम्स आपने प्रोवाइड किए थे, अगर आप फ्लैक्स हटाते हैं, जिस तरह से हमारी PPT थी उसमें हमने ये चेक किया था कि फ्लैक्स कंटेनर से हमारे आइटम्स इस तरह से डिस्प्ले होंगे, ठीक है।
डिस्प्ले फ्लैग्स देने के बाद अगर आप डिस्प्ले इनलाइन फ्लैग्स देते हैं तो उसमें क्या चीज़ है? यहाँ बता रहा है डिस्प्ले फ्लैग्स क्रिएट अ ब्लॉक लेवल फ्लैग्स कंटेनर। अब इनलाइन लेवल कंटेनर के लिए आप डिस्प्ले इनलाइन फ्लैग्स की तरफ जाएंगे। सो वो भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर आकर डिस्प्ले इनलाइन फ्लैग्स, ओके। सो व्हाट आर द सिचुएशन? सेम लाइक दैट आपका कंटेनर आपके हिसाब से फ्लैग्स कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पर सिंपल फ्लैग्स प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर फ्लैग्स प्रोवाइड नहीं करती तो सिचुएशन क्या आती है? ये देखिए, सिंपल आपकी जो जितने भी आपने डेटा बनाया था वो रोज के अंदर था, लेकिन जैसे आपने डिस्प्ले फ्लैग्स किया, इसके अंदर फ्लैग्स किया, आपका ओल्ड डेटा जो है वो क्लियरली कॉलम के अंदर डिवाइड हो गया। सो दिस इज द मेथड, आपके लेआउट ऑटोमेटिकली जो रोज है वो कॉलम में, और जो कॉलम है वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी कोई चीज़ आप रिस्पॉन्स करते हैं। सो आई होप फ्लैग बॉक्स का पहला लेक्चर क्लियर हो गया हुआ। इंशाल्लाह बाकी सारे ट्यूटोरियल्स जो भी हैं वो इंशाल्लाह मैं लगाती जाऊँगी अपलोड, क्योंकि बहुत सीरीज है। नेक्स्ट में हम लोग फ्लैग्स कंटेनर और फ्लैग्स आइटम को डिटेल में देखेंगे, फिर हम इंशाल्लाह सीएसएस लेआउट डायरेक्शंस को कॉप अप करें, किस तरह से डायरेक्शंस रो रिवर्स कॉलम वगैरह किस तरह से वर्क करते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।